बात होगी मंडे की। मंडे से पहले क्या आता है? संडे। संडे को डेट क्या है? 22 सितंबर। 22 सितंबर, इसके बाद आपका है ये 23 सितंबर। 23 सितंबर को आपका, 22 सितंबर को पहली चीज वर्कशॉप सेशन होगा, आप इसमें आ सकते हैं जितने भी लोग आना चाहें वर्कशॉप सेशन पे, ठीक। 23 सितंबर को आपको टेस्ट होगा और आपका करंट अफेयर्स होगा जो हमारा निर्धारित है। मैं टारगेट प्रोग्राम भी इसी दिन फिर से अपडेट करूंगा, प्लस साथ में आपका मेंस का टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आपके उसी तरीके से होंगे। ट्यूसडे को अब आपको क्या करना है, ट्यूसडे से आपका क्या क्या चालू होगा उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। सुबह के सेशन में इंडियन सोसाइटी आपका चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी के बाद दूसरा सेशन चलेगा आंतरिक सुरक्षा का, मेरे द्वारा कराया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे इसको, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं पेपर 3 में, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और तीसरा टॉपिक आपका, तीसरा सेशन प्राचीन भारत का। इसमें प्राचीन भारत में अब मैंने ये मतलब जो हमारी चर्चा हुई है कि इसमें मैपिंग के साथ कराया जाएगा, मैप के साथ साथ में, यदि कोई साइट है तो साइट को भी मैप में दिखाते हुए थोड़ा सा, और इंटरेस्टिंग भी होगी और चीज़ें भी होंगी। तो ये पूरा आपके 3 सेशन आपके प्रॉपरली चलेंगे, इसलिए इन दोनों के लिए भी तैयार हो जाइएगा। ये दोनों लंबा चलेंगे, अब मान लीजिए ये तो काफ़ी लंबा जाएगा, ये ख़त्म होगा, जैसे इंडियन सोसाइटी ख़त्म होगा वैसे ही सोशल जस्टिस चालू हो जाएगा, ठीक। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं उसमें, वो आपका शुरू हो जाएगा। पेपर 2 में आता है सामाजिक न्याय, तो ये भी आपका कंप्लीट करा देंगे। तो इसके लिए अब आपको बुक खरीद लीजिएगा, नोटबुक खरीद लीजिएगा। इसके लिए कोई बुक है नहीं मार्केट में वैसे, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, और बढ़िया रिपोर्ट है। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं खुद यदि इकट्ठा करके लाऊंगा तो आपको ज़रूरत नहीं कुछ करने की, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। पहले भारत की कानून व्यवस्था को समझेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर प्रभावी ढांचा क्या बनाया गया है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी को समझेंगे, और इसके बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को समझाने का प्रयास करूँगा, फिर एक एक चैलेंज को निपटते चले जाएंगे कैसे कैसे निपटना है, ठीक है। पहले नागा विप्लववाद है, नागा विप्लववाद, नक्सलवाद, माओवाद, इससे जुड़ी हुई जितने भी, शुरू से लेकर अंत तक कैसे समस्या जन्म हुआ और कैसे अभी तक बनी हुई है और कैसे ख़त्म होगी, आतंकवाद, इस पर भी चर्चा होगी। तो एक प्रॉपर हमारा डिस्कशन इंटरनल सिक्योरिटी में चालू होगा, आप सभी लोग तैयार रहिएगा ये दो टॉपिक शुरू करने के, ठीक है। जो लोग आप लोगों के मित्र लोग नहीं आ रहे उन्हें भी बता दीजिएगा, यहाँ से आ सकते, नहीं तो फिर एक्चुअली में रूल वही है कि जो रेगुलर नहीं है उसको, अब देख रहे हैं ऑनलाइन मैक्सिमम लोगों को ऑनलाइन किया गया है, तो जो रेगुलर रहेगा तो वो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर घर बैठ के पढ़ो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, एक दो लोगों का है तो जा सकते हैं वो लोग लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में। मैं आपको बता देता हूँ मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहेगा अक्टूबर के महीने में, कुछ चीज़ें व्यस्तता हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा